हे गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अलार्म। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सैमसंग के इस फ़ोन में कैसे अलार्म सेट कर पाएंगे, मल्टीपल अलार्म कैसे सेट कर पाएंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देख लेना है, जिसका नाम है तो क्लॉक वाला एप्लीकेशन आपको देख लेना है कहाँ पर है। सो गाइस, अलार्म सेट करने के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रेस करके रखना होगा और यहाँ पर विजिट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है ऊपर की ओर। क्लॉक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अलार्म ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस अलार्म को आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर किस दिन आप इस अलार्म को सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अलार्म पर किया हमने और यहाँ पर सैटरडे टू संडे हर दिन इस अलार्म को सेट करना चाहते हैं, तो इसे आप यहाँ पर अलार्म का कुछ नाम भी दे सकते हैं। ओके, ऐसा सेव कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ से अगर आप दूसरा अलार्म लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैसे लगा पाएंगे, तो वहीं पर प्रेस करके रखना होगा और यहाँ से विजिट्स पर जाएंगे और यहाँ से आप दूसरा अलार्म भी लगा सकते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर अलार्म पर सेट किया, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक किया और यहाँ से कोई अलार्म एक और लगा लेते हैं, संडे टू फ्राइडे। ओके, यहाँ पर रिंगटोन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से इसे सेव कर देना है, तो यहाँ पर दूसरा अलार्म भी आपका सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इस फ़ोन में मल्टीपल अलार्म सेट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।